अस्सलाम वालेकुम, आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ छठे एपिसोड के साथ। आइए मुलाजा फरमाइए। माया को जब पता चला आइमा रात से आहिल के कमरे में है, इसके तन बदन में आग लग गई। वो आहिल के पास गई जो इस वक्त आइमा के पास बैठा बुखार चेक कर रहा था। वो तो वाह, तो ये सब हो रहा है यहाँ, माया ने जाते कहा। आहिल ने हैरत से माया को देखा। मुझे तो बड़ा कह रहे थे कि तुम्हें तुम्हारे कमरे में किसी का आना पसंद नहीं, और इसे रात से यहाँ सुलाया हुआ है। आहिल तो माया की बात पर जल उठा। सो वट, अपने काम से काम रखो, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता तुमसे इस बात का कोई मतलब नहीं। मेहमान हो मेहमान बन के रहो। तुम्हारी इतला के लिए, ये मेरी बीवी है, तुम यहाँ से उठो और दफ़ा हो जाओ। माया गुस्से से वहाँ से चली गई और आहिल सोचने लगा कि ये आइमा की दोस्त है या दुश्मन। और फिर आइमा को देखा जो इसके जुल्म का शिकार होती थी रात, जिसकी तकलीफ़ इसके जख्मों और चेहरे से वाजिया थी। आहिल दिल ही दिल में शर्मिंदा था, ना सिर्फ रात की हरकत पे पर इस बात पे भी कि इसे आइमा से ना चाहते मोहब्बत हो गई और वो अपने दोस्त से गिरफ्तारी कर बैठा था। आइमा उठी तो आहिल ने बराबर में बैठा था। आइमा उठने लगी तो आहिल ने इसे सहारा देना चाहा। मुझे आइमा ने झटक दिया। आहिल ने दोबारा आइमा को पकड़ के उठाना चाहा। इस बार आहिल की गिरफ्त तेज़ थी। छोड़े मुझे, आइमा चिल्लाने लगी। आहिल ने इसके मुंह पे हाथ रख दिया। क्या मसला है, इतना सब सह के भी दिल नहीं भरा जो मेरे सामने फिर बोलने की हिम्मत कर रही हो। आहिल की बात सुन के आइमा चुप हो गई और आहिल ने इसके लबों पर हाथ रख दिया और इस हाथ को अपने लबों से लगा के आइमा के सामने किस करने का इशारा करने लगा। आइमा ने नफरत से मुंह फेर लिया। आहिल ने आइमा का मुंह अपनी तरफ किया और इसे कहा, मैं सच जानना चाहता हूं, मुझे प्लीज़ सच बताओ कि क्या है। आइमा ने कोई जवाब नहीं दिया। तुमसे बात कर रहा हूं मैं, मुझे आपकी किसी बात का जवाब नहीं देना, आइमा क्या के मुंह फेर गई। जैसे आहिल ने दोबारा अपनी तरफ किया और इसका मुंह अपने हाथों में दबोच लिया। क्या चाहती हो, तुम्हारे साथ फिर वो सब करूं? आइमा ने तड़प के आहिल को देखा। ना नहीं, तो मुझे सब सच बताओ, और अगर कुछ झूठ हुआ यकीन करो रात जो हुआ वो कुछ भी नहीं था। आइमा सहम के रह गई। लेकिन आपको मेरा यकीन नहीं तो फिर मेरा कुछ बताने से क्या फ़र्क पड़ता है, तुम बता रही हो या नहीं? बताती हूँ, आइमा ने बताना शुरू किया। मैं नहीं जानती आप किस नबील की बात कर रहे हैं, पर जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तब वहाँ मेरे क्लास में एक नबील थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे। एक बार मुझे कुछ लड़के तंग कर रहे थे, इन्होंने मुझे बचा लिया था इनसे, और तब से इन्होंने मुझे अपनी बहन बना लिया था और मैंने इन्हें अपना भाई। इन्होंने यूनिवर्सिटी में मेरा बहुत ख्याल रखा था, हम फेसबुक में भी ऐड थे। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मैं जानती। आहिल ने पूरी बात सुनी। इसे आइमा की बातों में सच्चाई नज़र आई। वो परेशानी में घर गया। आहिर फिर गलत कौन है? आहिल का सोच सोच के दिमाग फटने लगा था, लेकिन कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। वहीं वो अपने जान से अजीज़ दोस्त के साथ गिरफ्तारी कर बैठा था। इसके बाद आइमा आहिल के सामने नहीं आती थी, वो बुलाता तब भी नहीं आ जाती थी। आहिल तब जाता। आज भी वो कब से आइमा को बुला रहा था और वो अपने क्वार्टर में थी। आहिल वहाँ गया और क्या कहा, क्या मसला है, इतना तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है कि जब भी मैं बुलाता हूँ तुम नहीं आती, अब चलती हो या मैं उठा के ले जाऊँ? क्यों बुलाते हैं आप, नहीं करनी मुझे आपसे कोई बात, मुझे बस मेरी दादा दादी के पास जाने हैं, नहीं रहना मुझे आपके साथ। तुम्हें बात करने का कौन कह रहा है, तुम चलो, तुमसे और भी बहुत काम है मुझे।
क्या काम है? चलो कमरे में बताने जैसे काम है यहाँ नहीं। आयमा अंदर तक कांप गए के रह गई। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, जाएंगे तो तुम्हारे अच्छे भी। आहिल ने आयमा को उठा लिया और वो छुड़ाने लगी। छोड़ दें प्लीज़ मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? बीवी हो मेरी, और कोई अनोखा काम नहीं कर रहा जो तुम इस कदर तड़प रही हो, रो रही हो। प्लीज़ मुझे छोड़ दें। आहिल ने आयमा की एक नहीं सुनी और अपने कमरे में ले आया। आज से तुम यहाँ सोगी और मना करने की जरूरत भी मत करना, क्योंकि मुझे किसी सूरत में ना नहीं पसंद। और एक बात और, अब शराफत से अपनी बीवी होने का फ़र्ज़ निभाओ। आखिरी बात कह के आहिल आयमा की तरफ झुका। आयमा फौरन दूसरी तरफ भागी। आयमा मुझे नहीं पसंद ऐसे, पहले मैं तुमसे ज़बरदस्ती करूं, तुम खुद आओ मेरे पास। ना नहीं मुझे नहीं आना, प्लीज़ मुझे जाने दे, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, कह के आहिल आयमा की तरफ लिपका और इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। आयमा मचलने लगी। छोड़ें मुझे, पर आहिल ने इसे बेड पे फेंका और खुद इस पे झुक गया। आहिल ने आयमा का मुंह अपनी तरफ किया। आयमा बुरी तरह रो रही थी। इसने आयमा के बाल पीछे किए जो बार बार इसके मुंह पे आ रहे थे, और इसके गाल पे अपने दखते लब रख के इसके मोती चुनने लगा और इसे महसूस करने लगा। वहीं आयमा आहिल के होंठों से बुरी तरह तड़पने लगी, पर आहिर इस बात की परवाह किए बगैर इसके लब छूता रहा और इस पे अपनी गिरफ्त और तेज़ करता रहा। आयमा चिल्लाने लगी। आहिर ने इसके लब पे हाथ रख दिए पर इसे छोड़ा नहीं। आयमा तड़प रही। आयमा ने लाख बचने की कोशिश की पर वो इसकी गिरफ्त से नहीं निकल पाई। रात की स्याह गहराई होती गई, साथ साथ आहिल की शिद्दत भी बढ़ती गई। दूसरे दिन आहिल उठा तो इसे आयमा नहीं दिखी। फिर आहिल का फ़ोन बजने लगा। हसान ने इसे बताया कि नबील पाकिस्तान आ गया है। आहिल खुश भी था और शर्मिंदा भी। नबील पाकिस्तान आके आयमा से मिलना चाहता था और इसे पूछना चाहता था इसने ऐसा क्यों किया, और इसके लिए इसे आहिल के घर जाना था। छठे एपिसोड का इख्तिताम हुआ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।